ये छोटी छोटी बच्ची है, इन्हें ये भी नहीं पता है कि इनके सर से अब पिता का साया उठ चुका। आपको पता है क्या हुआ? नहीं, हाँ? नहीं। क्या हुआ पापा जी? पता नहीं, पता नहीं। आपको पता है क्या हुआ? नहीं, हाँ? नहीं। क्या हुआ पापा जी? पता नहीं, पता नहीं। कबाड़ी के काम करे नहीं लोग, मेहनत वाला काम करे नहीं लोग, दिन के बेचे नहीं लोग, किने नहीं लोग, सांझ के बाल बच्चा अपने परिवार के लिए वनी लोग, वही नहीं से हुआ अपन दारू ले ले वनी लोग ना लिया के पिया नहीं लोग, ओकरा बाद उल्टी उल्टी होखे लागो। सरकारी हॉस्पिटल में तो 8 बजे से सब लोग दारू पी ले लाश आवत। के रूपेश जी के 2 बच्ची है, 1 बच्चा है, ये बताइए कि प्रशासन के कितना कमी बा कि दारू बिकाता। सरकार के वो बच्चा सन के कुछ करना चाहिए कि उसको नावे पैसा करी, कैसे शादी ब्याह होगा बताइए। चलिए इस वक्त हम रुपेश के घर पहुंचे हुए हैं, बौरौली पंचायत के रुपेश का घर है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो एक मिडिल क्लास मजदूर का काम करता था और उसके घर पे पहुंचे हुए जहां जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। और उसकी ये बच्ची है, ये छोटी छोटी बच्ची है, इन्हें ये भी नहीं पता है कि इनके सर से अब पिता का साया उड़ चुका है। घर पर कोहराम मचा हुआ है, परिवार में लोग काफ़ी रो रहे हैं। बाबू आपको पता है क्या हुआ है? नहीं, नहीं। क्या हुआ पापा जी? पता नहीं, पता नहीं। समझ सकते हैं कि बच्ची को ये भी नहीं पता है कि इनके पापा के साथ क्या हुआ। क्या हुआ बाबू? नहीं पता है। चलिए उनके घर के एक सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कैसे क्या पूरी घटना हुई। ये देखिए, करीबन 8-10 जने मिलकर दारू और मीट पार्टी किए थे। कहाँ पे किया था? पार्टी यहीं पे, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर रसूलपुर है। अच्छा। ये हमारे फुआ जी का घर है। अच्छा। वो हमारे भाई लगेंगे, तो दारू वारू पिया 10 लोग एक साथ मिलकर, और उसमें ये उसके बाद में यहाँ से अपना ये सदर अस्पताल ले गया लोग, छपरा, छपरा से फिर पटना रेफर कर दिया और वहाँ जाकर ये घटना घटी। कुछ बेचैनी उचैनी भी हुआ था? बेचैनी, पूरा बेचैनी हुआ। क्या करते हैं रुपेश? रुपेश वही अपना सूरत में रहता है, मजदूरी का, धागा मिल में काम करते थे, मजदूरी का। तो आप देख सकते हैं इनके बच्चे की आंखों में जो आंसू है वो दिख रहा है, और अब इनके परिवार पे दुखों का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा है। और इनके साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे, कैसे क्या हुआ था। सर देखिए, यहाँ पे जैसे स्पीड जो है वहाँ पे, यहाँ पे बिक्री होती है, और आप तो जानते हैं कि अभी भी दारू बंद नहीं है। दारू बंद करवाने का मतलब है कि या तो इसको पूर्ण नियंत्रण बंद करवाएं, ठीक है, उस हिसाब से ये लोग 10 आदमी मिलके शायद मशरक से दारू वारू लेके और चिकन उकन बना के 10 लोग पार्टी किए थे। ये परसों की बात है, कल रात में ये लोग ठीक थे, सुबह से इन लोगों का पेट दर्द और फिर बेचैनी, आंख से धुंधलापन, ये सब चालू हुआ। तो हम लोग, हमारा घर रसूलपुर है, हम लोग को मालूम पड़ा कि ऐसे से हमारे रिलेटिव है, तो हम लोग छपड़ा गए थे। तो छपड़ा जब हम गए थे कल 2 बजे के आसपास, तब सिर्फ एक ही लड़का, ये रूपेश कुमार है, उसका ही कंडीशन ख़राब था, बाकी का सही था। फिर सारे लड़के वहाँ से आ गए, और छपड़ा हॉस्पिटल का भी थोड़ा सा रिएजमेंट ख़राब है, वहाँ पे सिर्फ पानी वानी चढ़ा के पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो बाकी लड़के आ गए और रुपेश कुमार को रेफ़र कर दिया गया, तो पटना रेफ़र कर दिया गया। बाकी लोग यहाँ आए जब दोबारा, जब सुबह इन लोगों की स्थिति फिर ख़राब हुई, तो ये लोग सारे फिर हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटलाइज होने के दौरान तो लगभग 11, हाँ 11 ये कुछ और महिलाएँ हैं, कैसे क्या भैया, किस तरह का हो गया? अब एजा के तो हल ना हम बताएं, हमारे एजा घर ना पड़ी, ये बताएं, बताइए एजा में फैल की सब लोग मसरा गड़े है ना। अब ऐसे मीट और सही तो बनौली लोग बना उना के, आई 2-4 आमदी रहनी लोग, कबाड़ी के काम करे नहीं लोग, मेहनत वाला काम करे नहीं लोग, दिन के बेचे नहीं लोग, किने नहीं लोग, सांझ के बाल बच्चा अपने परिवार के लिए आवे नहीं लोग, वही नहीं से हुआ अपन दारू ले ले वनी लो ना लिया के पिया नहीं लोग, ओकरा बाद उल्टी उल्टी होखे लागल बात, ओकरा बाद उल्टी जब होखे लागल देह में बेचैनी होखे लागल, तो हमनी के पता लागल, तो पता लागल तो एक आमदी चनेश्वर भाई रहनी तो मर गनी, तो सब आमदी आनी सो, तो हम लोग मुखिया जी कहनी कि बापरे लाने के गलो, तो कलक लोग छो छो हम दी के लाने दे दिए लकड़ी जरावे के, तो भल कि ये दादा ये का भल, तो कलक लोग कि ना ना सरकारी हॉस्पिटल में तो 8 बजे से सब लोग दारू पी ले लाश आवत।
ना तो वही पर से कहलक लोग ना तो सब लोग के बेचैनी होके लगल तो हाली हाली मुखिया जी का कहने के एम्बुलेंस बुला के आ सब लोग के कहनी कह के जा लो सरकारी हॉस्पिटल वजह से रेफर करने छपरा छपरा से पटना करने लो पटना में जाके उसको देखिए रूपेश जी के दूगो बच्ची है एगो बच्चा है बताइए कि प्रशासन के कितना कमी बा कि दारू बिकाता सरकार के बच्चा सन के कुछ करना चाहिए कि उसको नावे पैसा करी कैसे शादी ब्याह होगा बताइए हैं पढ़ाई लिखाई बा नीतीश कुमार के सोचे के चाहिए कि उसको बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई है हमने के गांव सुहा हो गल सात आमदिया ग्यारह आमदी बा बताइए ग्यारह आमदी में सुहा हो गल तो कनिक बाल बच्चा कैसे चली हैं ये दारू बेचवावे खातिर बॉर्डर पार हो जाता दारू हैं दरोगा बा थाना बा सिपाही बा चौकीदार बा काहे ला हम पैसा देते नहीं हैं तो काहे बिकाई दारू दारू के तो मने करे के चाहे नू अब जब प्रशासन बढ़ले बाया दारू बिकाता मरे वाला मर गए मरे वाला मर गल बच्चे कैसे रही औरत कैसे रही तीन दिन के औरत रह वाला बा कि रही सरकार के हमनी के यह कहे के बा कि जे मरल बा हमनी के वार्ड में छ नंबर वार्ड में वो बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई के खातिर सरकार के पूरा जिम्मेदारी उठाए के पड़ी तबे हमनी के कुशल बा।